हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। मैं भी पनीर की जलेबी बना रही हूँ, जिसको हम लोग छेना जलेबी भी बोलते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 9। इस जलेबी की रेसिपी मैंने काफी बार शेयर की हुई, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। पहुंचाने गए थे तो ये सब लेकर आए हैं। आज सुबह का नाश्ता जो है वो थोड़ा अलग है आज, और ये जलेबी जो कल रात में मैंने बनाया है, पनीर जलेबी, और आज इडली, मेंदू वड़ा, सांभर। तो ये देखिए, ये है ब्रेकफास्ट आज का। ऑफ कोर्स बाहर से लाया हुआ है, एक्सेप्ट द डिलीशियस जलेबी जो आप देख रहे हैं छेना की, वो श्वेता ने बनाई है। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं ब्लॉगिंग करूं, इसलिए बैकग्राउंड में आप तो हमेशा बोलते हो, में आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। और देखिए, लुक्स वेरी टेम्पटिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? दोपहरिए आप तो दिख नहीं रहे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम दोनों निकल गए हैं कहाँ, थोड़ी सी शॉपिंग करने हैं। छोटे भाई आज जा रहे हैं तो सोचा बच्चों के लिए कुछ खरीद कर भेज देते हैं। उनका भी प्लान अचानक से बना, क्योंकि आने का नहीं था, बट अचानक से उन्होंने भी प्लान बनाया तो वो आए हैं। तो हमें भी ऐसा मौका नहीं मिला जाकर कुछ लेने का, और 2 दिन के लिए ही आए हैं। तो पहले से पता होता तो पहले से तैयारी करके रखते, बट पता नहीं था। बट ठीक है, अभी जा रहे हैं। अभी रमनिया स्कूल गए हैं तो उनको लाने से पहले जाकर थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं, है ना? Yes. उनका प्लान बिल्कुल अंत समय में फाइनल हुआ, और ना अभिनंदन आभार ना कुछ। तो ये नया ब्लॉग है। हाँ। ये मुझे मालूम नहीं था। अभिनंदन आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। और आज है मंगलवार, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे, एक नई जोश के साथ नए दिन का विश और नए दिन की शुरुआत। तो जैसा कि श्वेता ने बताया कि हमारे छोटे भैया आए हुए हैं, वो जा रहे हैं वापस, तो हमने सोचा 10 बज गया है, चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मतलब मेरे भतीजा और भतीजी के लिए। तो बस यही है। तो उनका जो प्लान है बहुत ही अंत समय में फाइनल हुआ। तब मैं सऊदी में था, सऊदी के आने के बाद जस्ट 2 से 3 दिन थी हमारे पास, लेकिन मैंने ऑफिस का भी बहुत सारा काम नहीं किया था सऊदी के ट्रिप के चक्कर में, तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी, तो हेडेक हो गया था काम का भी, इसीलिए अभी कुछ टाइम मिला ही नहीं बिल्कुल। तो जस्ट थोड़ी सी शॉपिंग करने आए हैं जैसा कि हमने बताया आपको। तो चलिए चलते हैं फिर। हैंडिंग ओवर टू श्वेता नाम। चलिए फिर मिलते हैं। और ये वो वाला मास्क है जो मुझे वो सारा सामान खरीदने में फ्री में मिला था, पिंक मास्क। कुछ अलग लग रहा है, पता नहीं। जल्दी जल्दी भी शॉपिंग किया क्योंकि नमनिया को स्कूल से लाने का भी टाइम हो रहा था। तो अनिमेश मुझे यहाँ नीचे ड्रॉप करके चले गए उन दोनों को लाने, और मैं आपको दिखा देती हूँ क्या लेकर आई हूँ। ये एक जीन्स है ब्लैक कलर की, तो ये छोटे भैया की बेटी अक्षिता, उनके लिए लेकर आई हूँ। और ये एक टी शर्ट, ये जीन्स और ये टी शर्ट अक्षिता के लिए है। और ये एक टी शर्ट लेकर आई हूँ, ये उनके बेटे आरब के लिए है, ये टी शर्ट, ये जीन्स। ये कपड़े छोटे भाई के साथ जाएंगे, ये उन दोनों भाई बहन के लिए। और चॉकलेट्स डेट्स वगैरह मैं नहीं लाने जा पाई क्योंकि लेट हो रहा था, नमनिया को स्कूल से लाना था, तो अनिमेश वो लाने जाएंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि छोटे भाई आज ही निकल जाएंगे, लेकिन रात में उनकी फ्लाइट है। तो अनिमेश अभी नवनिया को यहाँ
स्कूल से यहाँ लाने के बाद फिर वो जाएंगे चॉकलेट डेट्स वगैरह जो भी है लाने। अब वहाँ पे गई थी तो मन कर रहा था नवनिया के लिए भी कुछ ले लूँ। पता है पहले क्या होता था, पहले मैं जब नवनिया नहीं हुए थे तब जब भी शॉपिंग पे जाती थी ना, मतलब कपड़े वगैरह देखती थी, तो अपने लिए मतलब मन करता था देखूँ ये देखूँ वो देखूँ। अभी पता है ऐसा हो गया है, जब भी मैं कभी जाती हूँ ना अपने लिए मैं बिल्कुल भी नहीं देखने जाती हूँ। मैं अपने सेक्शन में तो जाती ही नहीं हूँ, मतलब मैं कभी ध्यान ही नहीं आता। सबसे पहले ध्यान में आता है कि नवनिया के लिए देखना है। कभी कभी ना मुझे खुद को सोच के बहुत अलग सा लगता है कि पहले मैं कितना जाती थी, ये भी देखना है मुझे, वो भी देखना है अपने लिए। मेरा मन भी नहीं करता है कि जाओ मैं कपड़े के शॉप पे तो मैं अपने लिए पहले कुछ देखूँ। पहले मैं नवनिया के लिए ही देखती हूँ और सारा ध्यान उनके कपड़ों के लिए जाता है कि पहले ये लेना है वो लेना है उनके लिए। अक्षिता अरब के लिए मैंने लिया तो मेरे साथ नवनिया के लिए भी ले लेती हूँ। तो ये मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ, एक टी शर्ट। नव के पास जीन्स और पैंट बहुत है और कुछ तो ऐसे हैं जो उसने अभी तक पहना भी नहीं है रखे हुए, इसलिए मैंने नव के लिए दो टी शर्ट लिया है। और ये मैंने निया के लिए लिया है, एक ये वाइट टॉप इस पे पहनने के लिए। तो यही सारी शॉपिंग करके आए, जल्दी जल्दी में, लेट हो रहा था, नहीं तो थोड़ा और देखती बट क्या कर सकती हूँ। चलिए मैं इसको पैक कर देती हूँ जल्दी से। अनिमेश आ गए हैं डेट्स लेकर और चॉकलेट डेट्स लेकर। तो भैया ने बोला था क्या ज़्यादा भारी नहीं करना उनको अपना बैग, क्योंकि वो भी कुछ शॉपिंग करने गए हैं। ये 300 ग्राम्स और ये एक एक किलो का है, यानी 2 kg टोटल डेट्स है। डांस करते करते गिर गई। अभी लोग थोड़ी देर में अबू धाबी निकल जाएंगे, भैया है नहीं वो बाहर गए हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में, फिर ये लोग निकलेंगे अबू धाबी के लिए। उनकी रात की फ्लाइट है। यस, रात की फ्लाइट है, तो मैं उनको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ अबू धाबी। और अबू धाबी जाने के लिए कोविड टेस्ट सबको कराना पड़ता है ना? और कितने दिन? 14 डेज तक वैलिड रहता है, 14 डेज तक। जो अल हुसैन ऐप है ना वो अपने आप अपडेट हो जाता है अगर आप RT-PCR करवाते हैं, तो वो 14 डेज तक वैलिड है। एक बार टेस्ट कराए तो 14 डेज आ जा सकते हैं आप। ये क्या जब एक बादाम वाला है ना, हाँ। बहुत अपना अच्छे से सॉन्ग गाकर बादाम बेचता है, इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, उसको सब कोई पसंद किया है, वो वायरल है अभी वो। ओके, उस पे बहुत सारे लोगों ने डांस किया, रील बनाया। हाँ, सुना है मैंने, रील्स तो काफी देखा है। बादाम, हाँ। बादाम 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 बादाम, वेरी नाइस। जैसे बचपन का प्यार का सहदेव जो है वो फेमस हुआ था ना, वैसे ही ये भी जो बंदा है बादाम बेचने के लिए वो सॉन्ग गाता है, बहुत ही अच्छा गाया, मतलब उसका टोन, उसका जो सुर बिठाया है ना बहुत अच्छा है। और उसपे गाना बना, रील बना, सबको पसंद आया। और जिस टोन में वो गाता है लोग सुन रहे हैं, चलो भाई सुन लेते हैं, थोड़ा बादाम खरीद भी लेते हैं। खैर, ऐसे लोगों की किस्मत जरूर बननी चाहिए और बदलती भी है। जब कुछ यूनिक करते हैं ना वो, उनका थॉट आता है, वो थॉट जो है सही में अच्छे तरह से डिलीवर होता है ना, तो सही में कुछ अच्छा होता है। और ऐसे लोगों के लिए अच्छा होना भी चाहिए। वो तो है। ये डांस करो, बादाम 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 बादाम। तो अनिमेश चले गए हैं अभी, थोड़ी पापा एयरपोर्ट छोड़ के आपके पास, अरब के पास के एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में पापड़ बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है? पापी है ये। टिफिन में पापा ये खाना है। ओके। अच्छा। मेरे को पसंद आई है। अच्छा, पसंद है? The next day. स्कूल से आने के बाद नवनिया क्या खाते हैं? पूरी। पूरी? हेलो, स्माइल। वेरी गुड। सो गाइस, कल के बाद आज आपसे मिल रहे हो। कल हम लोग वो सामान लेकर आए, फिर नवनिया स्कूल से आए, फिर वही खाना पीना हुआ, फिर अनिमेश चले गए किसी काम से बाहर और भैया चले गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, फिर वो लोग शाम में आए, फिर थोड़ा इधर उधर घूमने गए, उसके बाद शाम में फिर अनिमेश भैया को लेकर अबू धाबी गए उनको पहुँचाने। तो लेट नाइट आए थे, मैं नवनिया को जल्दी खाना पीना खिलाकर सुलाने ले गई थी।
तो इसीलिए कल मैंने वीडियो फिर कंटिन्यू नहीं किया और अभी आपसे मिल रही हूँ। और अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं जाने के लिए रेडी हुई हूँ, तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। कुछ सामान होता है ना जो आप काफ़ी टाइम पहले से खरीद कर रखते हो बट कभी पहनने का मौका नहीं मिलता, तो वैसे ही बहुत कुछ मेरे पास है जो मुझे दिख जाता है कभी ना कभी। तो मैं सोचती हूँ अभी तो कहीं जा नहीं रही हूँ या फिर इसको पहनना नहीं है बहुत दिनों से, तो पहन लेती हूँ, अच्छा फील होगा बस। तो इसीलिए अभी आप लोगों से बात करते टाइम मैंने सोचा इसको पहन लेती हूँ। जैसे ऐसे ही कल भैया गए थे दुबई मॉल कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो वो हम लोगों के लिए भी कुछ लेकर आए। नामने के लिए जो टॉयज आए हैं वो तो आए हैं बट मेरे और अनिमेश के लिए भी आया है कुछ। अनिमेश तीन भाई आप लोगों को तो पता ही है, तो दोनों भैया इनसे बड़े हैं तो हम लोग सबसे छोटे हैं। छोटे होने का ये फायदा होता है कि जब भी आप अपने बड़ों से मिलते हो तो आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। तो ये है, सबसे पहले मैं आपको नवनिया के टॉयज दिखा देती हूँ। कल ये हमें मिला तब उस टाइम में नवनिया सोए हुए थे जब भैया ने दिया, तो कल तो नवनिया ने नहीं देखा बट आज स्कूल से आने के बाद देख लिया है। बट काफ़ी टाइम से दोनों ने मतलब इतना अपने आप को रोक के रखा है, खोला नहीं है। तो ये है लेगो निया के लिए, बच्चों का फेवरेट। आर यू हैप्पी? ओके, नव बोल रहा है आई एम हैप्पी। और ये है नव के लिए, तो ये नव निया के लिए है। इसमें है मेरा गिफ्ट, ये मेरा रिएक्शन नहीं करना चाहिए तो नव दे रहा है। नव का गिफ्ट है, नव का नहीं है बेटा, मम्मा का है। तो चलिए इसको खोलते हैं, पता तो चल ही गया होगा आप लोगों को भी मुझे क्या है इसमें, बट मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है। हाँ एक सेकेंड ना, तो ये है गिफ्ट, बहुत ही सुंदर सा हैंडबैग। बहुत अच्छा है, तो मैं इसको इसके बैग में रख देती हूँ जो बैग इसके अंदर था। वेरी नाइस, आप भी आ जाओ, अनिमेश घर पे ही है, इधर उधर जा रहे हैं, मैंने बोला आप भी आ जाओ। मैंने इसको बैग में रख दिया है अभी, और ये है अनिमेश का। लो अपना अनबॉक्सिंग आप खुद ही करो अपने सामान का, आपने तो देखा हुआ है, फिर से देख रहे हो, मैंने नहीं खोला था, इन्होंने देख लिया था अपना। अलेसांद्रो डेल अक्वा नापोली, ये इटालियन ब्रांड है, बहुत ही बेहतरीन वॉलेट। ये अपना वॉलेट दिखा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने बताया नहीं आपको बट आपने तो देख ही लिया होगा, मेरा जो ये हैंड बैग है ये चार्ल्सन कीथ का है, क्योंकि इसका कलर रेड है तो मैं इसको व्हाइट के साथ भी कैरी कर सकती हूँ, ब्लैक के साथ भी, ब्राउन के साथ, सबके साथ अच्छा लगेगा और एक अलग सा लुक देगा। ये है इनका वॉलेट। उन्होंने, छोटे भैया ने देखा कि मेरा वॉलेट जो है वो थोड़ा डैमेज हो चुका है, जो मैं पुराना यूज कर रहा था। एक्चुअली मुझे वो मेरे पुरानी कंपनी के एमडी ने दिया था हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे, एक मुझे भी दिया था, एक इनको भी दिया था। हाँ, वो जब हम लोग इटली में थे तो इनके एमडी ने इनको दिया था, 8 साल हो गए ना। हाँ, 8 साल मैंने वो यूज किया। हाँ, हमारे वेडिंग एनिवर्सरी में हमने उनको इनवाइट किया था तो उन्होंने दिया था और 8 साल तक यूज किया। अभी भी वो यूज करने लायक है बट थोड़ा, क्योंकि ये उसको पीछे रख के पॉकेट में बैठ जाते हैं, इतने अच्छे से नहीं हो पाता ना मेंटेनेंस। तो उसके मेरा वॉलेट अभी तक वैसे का वैसे ही नया रखा हुआ, मैं कभी आपको दिखाऊंगी किसी दिन, ये कभी कभी बहुत ही कम करती है। मेरा क्या 7-8 साल आप समझ सकते हैं, पॉकेट में रख के सारे कॉइन्स, बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारी चीजें मैंने रखा और उसका फ्रीक्वेंट यूज किया, एक दिन में 5-6 बार यूज कर रहा हूँ, सो उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है। बट इट वॉज सो जेन्यून इटालियन लेदर की वो आज तक 8 साल आप समझ सकते हैं कोई भी वॉलेट चल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। बट छोटे भैया ने अच्छी चीज नोटिस की और एक अच्छा सा वॉलेट गिफ्ट दिया जो कि उनको लगा कि जरूरी है, तो अच्छे अपने लोग जो हैं वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस चीज की कमी है और जिसको पूरा किया जाए, तो जो
उनके सगे संबंधी हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है वो और उभर के अच्छे से आएगी लोगों के समक्ष, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ये क्वालिटी होती है अपने लोगों की जो आपसे जुड़े रहते हैं और आपकी चीज़ों को और आपकी ज़रूरतों को समझते हैं खुद से। और निया ने मुझे दिया ओपन करने के लिए, तो मैंने खोल दिया है निया का। अब निया इसको बनाएगी देखकर। जाओ अब इसको ये बुक देखो और बना। बट पुट एवरीथिंग इन द बॉक्स। तो ये अनिमेश का, ये मेरा, यही सारे गिफ्ट है, अच्छे अच्छे गिफ्ट। नव निया भी काफी खुश है, तो बहुत अच्छा लगा और सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लें। हम लोग अपनी खुशी दुख सब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि आप हमारी फैमिली हो, तो फैमिली के साथ हर कुछ शेयर करना अच्छा लगता है ना? Yes. तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए और लाइक का बटन दबाते रहिए। चलिए अनिमेश तो चले गए, वो हमेशा जल्दी में ही रहते हैं, उनको कुछ काम था। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।